इस वक्त हमारे साथ है कुछ भूमिपुत्र भी हैं, इंटेलेक्चुअल भूमिपुत्र हैं, एक वकील हैं और एक समाज सेवक है। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो भूमिपुत्रों की संवाद सभा थी, संवाद बैठक थी, इसमें इनको क्या अनुभव हुआ, जो इनके नेता हैं वो किस तरह से इन्हें आश्वासन दे रहे हैं, किस तरह के संघर्ष की तैयारी है, किस तरह के आंदोलन की तैयारी है। योगा मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप? आज व्यासपीठावर बरच मान्यवरांनी म्हणजे विविध मुद्द्यांवर म्हणजे त्यांनी आपली विविध मुद्दे मांडले आणि त्यांचे सगळे म्हणजे ते सगळं ऐकून आज आता म्हणजे आता आम्ही असं हे फील करतो आहे की आता जे 24 तारखेला 24 जूनला जे आंदोलन करायचं आहे तर त्यासाठी म्हणजे खूप प्रेरणा मिळालेली आहे। आणि आम्ही म्हणजे आज इट्स लाईक म्हणजे आम्ही खूप उतावीळ आहोत। आता आमचा म्हणजे आज सरकार म्हणजे अजूनही म्हणजे हा मुद्दा हातात घेत नाही आहेत की नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिभा पाटलांचं नाव लावावं हा मुद्दा सरकार घेत नाही आहे किंवा या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारची चर्चा करायला सरकार तयार नाही आहे। तर त्यांना म्हणजे जनतेला जे हवं आहे, जो स्थानिक भूमिपुत्र आहे त्याला जे हवं आहे त्याच्या मागण्यांकडे जर म्हणजे दुर्लक्ष करायचं असेल, कारण सरकार शेवटी कुणी आणलेलं आहे तर स्थानिक लोकांनी निवडून दिलं आहे म्हणून ते सरकार आहे, आणि ते जर त्यांच्याकडे जर लक्ष देत नसेल किंवा त्यांचं त्यांची मर्जी किंवा त्यांची इच्छा त्यांना काय हवं आहे याचा जर सरकारला विसर पडत असेल तर स्थानिक भूमिपुत्रांना इतर जे इथे स्थानिक आहेत बऱ्याच काळापासून इथे राहत आहेत, मुंबईत राहत आहेत, महाराष्ट्रात राहत आहेत, इनफॅक्ट पूर्ण देश पूर्ण आपल्या भारतभर जे कोणी स्थानिक भूमिपुत्र आहेत आणि त्यांच्या इच्छा आकांक्षांचा जर कोणतेही सरकार त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर अशा वेळेस त्यांना जबाब द्यायला त्यांच्या विरुद्ध उभं ठाकायला म्हणजे हा 24 जूनचा हा दिवस हा निवडण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यात सगळ्यांनी हिरहिरीने आणि फार उत्स्फूर्तपणे सगळ्यांनी यावं आणि आपली शक्ती म्हणजे सरकारला दाखवावी की जर म्हणजे आमच्या मागण्या जर पूर्ण होत नसतील तर याच्यापुढे मग सरकार राहणार किंवा नाही राहणार किंवा पुन्हा निवडून येणार, तर ज्या प्रतिनिधींना स्थानिक लोकांच्या इच्छांच्याबद्दल काही घेणं देणं नाही आहे किंवा त्यांची ते उपेक्षा करत आहेत तर अशा लोकांना म्हणजे पुन्हा मी तर कमीत कमी निवडून देणार नाही। अगर जनता की भावनाओं के साथ उनकी जरूरतों के साथ सरकार उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप आज की संवाद बैठक में, आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो लंबे समय से ये जो मांग जो लंबित पड़ी है या जो समस्याएं लंबित पड़ी हैं अब उनके समाधान का रास्ता तय होने वाला है? मैं सबसे पहले इस पे अपनी खुद की राय एक रखना चाहूँगा। मैंने अपनी उम्र के 18 साल से जब से मैं वोट देने लग गया हूँ, मैंने बाला साहेब ठाकरे जी को ही अपना नेतृत्व आदरणीय और ये सभी जाति धर्मों के लोगों ने उन्हें अपना आदर्श समझा ही था। वो बहुत उत्तुंग नेतृत्व थे, व्यक्तिमत्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नवी मुंबई में किसी भी लोगों की उनके नाम की इस वास्तु के लिए तो कोई डिमांड थी नहीं, तो ये अचानक से जो आई हुई डिमांड है तो मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ कि आप कृपया ये लोगों की जनभावना का आदर रखें। लोग अगर रास्ते पे उतर के बाला साहेब ठाकरे का नाम मत दो नहीं कह रहे लेकिन अल्टीमेटली दूसरा नाम बता रहे, इसका मतलब अर्थ वही हुआ, तो आप स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का एक तरह से खुद ही अपमान कर रहे हो। कृपया ये ना करें, आप ये बंद कीजिए। वो व्यक्तित्व इतना उत्तुंग है कि महाराष्ट्र हमारे पूरे राज्य में और मैं क्या कहता हूँ कि पूरे देश में कहीं आप लड़के पूरे देश के किसी अच्छी एकाध वास्तु में आप बाला साहेब ठाकरे जी का नाम दीजिए, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाएगा। आप ये छोटा सा लड़ा है, ये लोगों की अपेक्षा है, इसको कृपया अपने गर्व की अभिमान की बात ना बनाए तो अच्छा। मीटिंग के भाषण में भी ये बात रखी थी कि ये 95 गांव जो ये कह रहे हैं वाकई ये ही इसमें ही दुरुस्ती करने की ज़रूरत है।
क्योंकि इन गांवों के अलावा 196 गांव इन्हीं भूमि पत्रों के खेतों में बैठा हुआ है, जो आज आकार से, विस्तार से और जनसंख्या से भी काफ़ी बड़ा है। आप इन्हीं को भूल गए हो क्या? अच्छा, ये इन्हीं लोगों का, 96 गांव के लोगों का नेतृत्व भी बहुत बड़ी तौर पे ये भूमिपुत्र ही करते हैं। यहाँ नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, तो सारे यही हैं। तो ये हमें क्यों भूल गए हैं? हमें जो ये नेतृत्व चाहिए, तो ये नेतृत्व हम आज उनसे मांगने आए हैं, और हमारी भी समस्या है। इसीलिए मैंने आज की सभा में हमारे शहरवासियों की बड़ी मूलभूत समस्या जो रखी है, मैं फिर से आपको एक बार वो दोहरा के बता देता हूँ। देखिए, 1990 में मेरे पिताजी ने 32 साल पहले यहाँ पे घर लिया है। देखिए, आज के लोगों को भी इसकी ठीक ठाक जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि 4 करोड़ 5 करोड़ दे के कोई भी व्यक्ति भाड़े से घर ले रहा है और लेगा, तो ये मुझे नहीं लगता, तो उसे जानकारी का अभाव है, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। तो उस वक्त मेरे पिताजी को और उन लोगों को क्या मालूम था, उन्होंने सोचा नवी मुंबई में वाशी में मैंने घर खरीदा है। लेकिन आज वास्तव में हम अनुभव कर रहे हैं कि हमने उस वक्त, हमारे उस प्लॉट की कीमत थी 15 लाख रुपया, हमने 15 लाख रुपया दिया, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिया, बिल्डर का मुनाफा दिया, और ये सारा हमने देने के बावजूद हमें पता चला है कि भाई हम भाड़े से रह रहे, हम किसी भी चीज़ के हकदार ही नहीं है। अब देखिए, 30-32 साल में अपनी ज़रूरत की वजह से बड़ा घर चाहिए, या ज़रूरत है, कोई शिफ्ट कर रहा हो, जो भी होगा, तो 32 साल में कम से कम जो भी 15-20 बार खरीद बिक्री के व्यवहार हुए होंगे। अब इन व्यापारों पे सिडकों का क्या अधिकार है, वो मेरी समझ में नहीं आता। भाई, लैंड तो आपने दे दी, उस पर मकान तो आपने बना ही नहीं, आपने मुनाफे के साथ मार्केट रेट से बेच दिया है, भले भाड़े से दिया है लेकिन दिया है, तो अभी आप उसमें के यूनिट्स का क्यों आप हिस्सा मांग रहे हो? तो मैंने एक अभ्यास के तौर पर देखा कि जितने व्यवहार 30-32 साल में हुए हैं, तो उनकी कीमत भी लगभग हमने 10-15 लाख रुपये दे दिए सिडकों को, और आगने वाले 30 साल में भी करते रहेंगे। उसके अलावा एक चीज़ हम और भूल रहे हैं, हमें कन्विन डीड करना है, क्योंकि प्लॉट तो भाड़े से दिया था बिल्डर को, और हमें अभी भाड़े पे ही लेने के लिए फिर से हम प्लॉट की कीमत ट्रांसफ़र फीस की तौर पे फिर से हम उसमें 12-13 लाख रुपए दे रहे हैं। उसके बाद 60 में से आज 32 साल पूरे हो गए हैं, तो और 25 साल बाद मेरा लीज ख़त्म होने वाला है, तो जाहिर है मेरे से कुछ पैसा लिए बगैर सिडको तो मुझे आगे भी देने वाला नहीं है। तो ये इस तरीके से एक ही जगह को 4 बार बेचने वाला ये जो जादूगर है, सिडको के निमित्त से जो गवर्नमेंट पैसा कमा रहा है, तो ये बहुत ही अन्यायकारक बात है। ये तो साहूकार से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे जग जाइए और सरकार को भी जगाइए, क्योंकि हम बेवकूफ़ तो हो ही गए हैं, और इसके आगे तो कम से कम ना हो, यही तो हमारे हाथ में है, इसके अलावा हमारे हाथ में क्या है? आज अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो इसके बाद ये हम कभी उठ नहीं पाएंगे। लोग इतने जल्दी संघर्ष को उतरते नहीं हैं, लेकिन आज जग गए हैं तो ये अच्छी बात है। हमें और भी लोगों को जगाना है, साथ में लाना है, और सरकार को हमें ये बात पहुंचानी है, और भी लोगों को जगाना है। यानी जो भी लोग पीड़ित हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है, ताकि उस शक्ति के सामने सरकार जागे और समाधान भी निकाले। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।